बड़वानी की कचहरी रोड पर एसपी निमिष अग्रवाल को सूचना मिली थी कि शाम 5 बजे बाद लॉकडाउन का उल्लंघन कर कचहरी रोड पर एक दुकानदार आइसक्रीम बेच रहा है। सूचना के आधार पर बड़वानी पुलिस टीम ने दबिश दी। सूचना सही पाई गई, दुकान खुली मिली और जाँच में दुकान के अंदर एक्सपायरी आइसक्रीम मिली जिसे जब्त किया गया है। मौके पर दुकान संचालक ध्रुव कुमरावत उपस्थित था। बड़वानी थाने में खाद्य नवीन अधिनियम जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य सामान बेचना दंडनीय अपराध है, उस अधिनियम के तहत 273 का में एवं लॉकडाउन के उल्लंघन में धारा 188 में FIR दर्ज कर दुकान संचालक ध्रुव कुमरा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। ये प्रतिदिन की तरह पुलिस के द्वारा जो है लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा था और जैसा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि शाम को 5 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। एसपी श्री निमिष अग्रवाल सर को एक सूचना मिली थी कि कचहरी रोड पर एक दुकान है जो खुली हुई है, उस सूचना पर मुझे कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। जो मैं अपनी टीम के साथ जब वहाँ पहुँचा तो जो एक आइसक्रीम की दुकान थी वो खुली हुई पाई गई और जब उसको आइसक्रीम की दुकान को चेक किया गया तो उसमें कुछ आइसक्रीम जो है एक्सपायरी डेट की भी आइसक्रीम थी। जैसा कि विदित है कि इसी वर्ष जो है 9 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश शासन ने जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम लागू किया गया है और उसके तहत धारा 273 का इजाफा किया गया है जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है और उसके द्वारा इसी धारा का अपराध घटित किया गया जो इसके खिलाफ धारा 273 का और IPC की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इससे वो एक्सपायरी डेट की आइसक्रीम भी जब्त हुई है, प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी विवेचना की जा रही है। सर दुकान संचालक जो है ध्रुव कुमरावत जो है दुकान पे मिला है, बड़वानी निवासी है।